मेरे लॉन्गेस्ट टास्क वो ये है, मेरे ऐसे मोमेंट्स जो मैं हमेशा ही याद रखूंगी और अभी भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोकेश जी, बात करें, आप मुंबई में पहुंचे हैं आप एक मूवी के मुहूर्त पे, क्या कहना चाहेंगे बिग बॉस के बारे में? अगर बात करें बिग बॉस का, जो एक एक्सपीरियंस शॉर्ट कट हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे आप? रिसेंटली निकले हैं बिग बॉस से, क्या कहना चाहेंगे? तो बिग बॉस से मैं बाहर हो चुकी हूँ, मुझे अच्छा भी लग रहा है कि मैं अब बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर पा रही हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे देखने को मिले हैं जो कि बिग बॉस के अंदर में नहीं थे। सो बिग बॉस के घर के अंदर था एक्सपीरियंस, वो भी अच्छा है और बाहर का एक्सपीरियंस भी अच्छा है। तो मैं फिर भी लेकिन बिग बॉस के घर को काफ़ी मिस कर रही हूँ। बाबा को कितना मिस कर रहे हैं? माय गॉड, मैं बाबा को मिस नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो जब तक थे तो मज़ा आता था थोड़ा बहुत, वो लोगों को काफ़ी एंटरटेन करते थे, मस्ती मजाक होती थी, तब तक तो बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने करा तो मिस करने का सवाल नहीं उठता। ये जो बातें हैं, पैसा फेंका था कहाँ तक सच है, और ये ड्रग्स का मामला है, ड्रग्स देते थे, क्या कहना? बाबा ने उस दिन डिबेट में आप बैठे थे कि निजी चैनल्स में, तो बोला गया, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सो मैंने न्यूज़ पे थी, मैंने उसी टाइम पे क्लियर कर दिया था कि शो में ड्रग्स नहीं आते हैं, ये वो उनकी काल्पनिक बातें हैं, वो बिग बॉस के शो को और उनके होस्ट को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश करें, क्योंकि उनको शो में एक इस तरह से निकाला गया है जो कि ऐसे निकाला नहीं जाता। सो ये बिग बॉस पे ही आरोप लगा रहे हैं, उनकी बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और रही बात यूरिन जो उन्होंने फेंका है, सो वो ऐसे कर सकते हैं जीतने के लिए, उनके वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि सच होगा कि उन्होंने देखा तो है मैंने, वैसे वो कुछ लेकर आए थे और उन्होंने यूरिन फेंका, सो इसमें ये सच्चाई हो सकती है कि उन्होंने फेंका होगा। पर्सनली अगर बात करें लोकेश से, किस तरह के इंसान है लोकेश? ओ सर, लोकेश एक ऐसी लड़की है जिसे बहुत, जैसे गाना डांस करना, घूमना फिरना, मस्ती करना और काम करना बहुत पसंद है। सो इस टाइप की हूँ मैं थोड़ा, और जो मेरे बात करने का तरीका है, कभी कभी लोग सोचने लग जाते हैं कि ये स्टाइल मार रही है या फुटेज ले रही है, सॉरी बॉस मैं थोड़ी हूँ ऐसी। क्या आप भी एक सेलिब्रिटी बन गए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे बिग बॉस में जाने के बाद? सेलिब्रिटी बाबा तो खैर पहले से ही थे सेलिब्रिटी एक तरह से, क्योंकि वो काफ़ी शो में जा चुके हैं और पिटाई भी खा चुके हैं उन्होंने। तो मेरा जो मैं जो अब सेलिब्रिटी बनी हूँ, सो मैं तो दिल से वो चीज़ फीलिंग आती है और ये मेरे को, मेरे जो फैंस है ये मुझे फीलिंग्स दिलाते हैं, और अदरवाइज वैसे मैं अपने आप को एक कॉमन लड़की ही समझती हूँ। लोग इस बात के दोबारा बिग बॉस में जा रहे हैं वो, क्योंकि बिग बॉस चैनल की टीआरपी थोड़ी डाउन हो गई है, उसको बिग बॉस में दोबारा जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिग बॉस की टीआरपी तो वैसे कभी डाउन हो नहीं सकती, अगर हो गई है तो सलमान सर है ना, उनके होते हुए टीआरपी कभी डाउन नहीं हो सकती। और ग्रैंड फिनाले में तो हम है ही, अपना टशन दिखाने आ रहे हैं, महफिल जमाने आ रहे हैं, तो टीआरपी को हाई लेवल पर हम पहुंचा ही देंगे। बाबा आपको दोबारा मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे बाबा से, कैसे पेश आएंगे? बाबा से कुछ अजीब सी बातें करेंगे, तो ज़्यादातर मुझे उनकी बातों पे हंसी आती है, मतलब वो कुछ भी बोलते हैं तो मुझे उनकी बातें नॉनसेंस लगती है, जिसका कोई सेंस नहीं होता तो हंसी आती है। और मुझे लग रहा है कि वो अब सोच समझ के बोलेंगे, और अगर ऐसा कुछ बोलेंगे तो फिर वो सुनेंगे भी। आपके साथ कभी झड़प हुआ? जी हाँ जी, हुआ है मेरा उनके साथ, जब वो लड़कियों के करेक्टर और उनके कपड़ों के बारे में बात करते थे तो उनको, उनसे हमारा आर्ग्यू होता था काफ़ी कि आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं, तो हम उन्हें समझाते थे, तभी मेरा उनसे हुआ था। ज़्यादा उनसे मेरी लड़ाई नहीं हुई क्योंकि मैं उनको हमेशा अच्छी ही बातें समझाते थे। अभी कौन सी फिल्म में आप नजर आएंगे? मुंबई में आपको देखा जा रहा है, कुछ तो है दाल में काला। ओह माय गॉड, दाल पूरी साफ है सर, दाल में कुछ भी काला नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको बता दूंगी मैं, बट अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। मूवी के सॉन्ग रिकॉर्डिंग में पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं आप इसका हिस्सा बनेंगे आप? अगर सर मुझे बोलेंगे तो ज़रूर मैं इस मूवी का हिस्सा बनना चाहूँगी।
थैंक यू बात करने के लिए।